हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम महेंद्र शिवाकोट और आज इस लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का एक पार्ट होता है अपना स्टेटमेंट के ऊपर। बाकी अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अभी स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट में देखना पहले टाइप वन की क्वेश्चन। टाइप वन में आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। इसमें सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ही आपका स्टेटमेंट है सिप जिप लिप। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किसी कोड लैंग्वेज में आप 5-3 लिखते हो। देन दूसरा स्टेटमेंट है निप टिक सिप, इसको किसी कोड लैंग्वेज में अपन 7-5-4 लिखते हैं। एंड देन टिक जिप और सिट, इसको अपन लिखते हैं 4-3-6। तो क्वेश्चन आपका इतना सा है, ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देन आपसे पूछा क्या है, कोड ऑफ लिप, कोड ऑफ सिट, कोड ऑफ निप। एंड देन जिप लिप टिक को अपन क्या लिखेंगे, इनमें से कौन सा सही होगा। एंड देन निप सिट और टिक को कौन सा इनमें से सही होगा ऑप्शन, तो ये अपने को बतानी है गाइस। तो इसमें सबसे पहले बेसिकली देखना, ये टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे इनमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कोई भी दो स्टेटमेंट कंसीडर कर लो। सपोज दैट अपन ने फर्स्ट और जो सेकंड है इन दोनों को कंसीडर किया। अब देखना यहाँ पे कॉमन क्या है, सिप जिप लिप और लिप टिक सिप, यानी कि यहाँ पे आपका कॉमन आ रहा है क्या, सिप। ठीक है, देन नेक्स्ट की अपन बात करें कोड लैंग्वेज में, इन कोड लैंग्वेज में आपका कॉमन आ रहा है 5। तो सीधी सी बात क्या हुई कि जो आपका सिप है, इस सिप का कोड वर्ड क्या हो गया आपका 5। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे अलग लिख लेते हैं कि आपका सिप है जो, इस सिप का कोड हो गया आपका 5। देन अपन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है इन दोनों को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे देखना क्या कॉमन है, निप टिक सिप, सिप का हो गया। देन यहाँ पे टिक कॉमन है आपका TIC, ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन है। और यहाँ पे कोड लैंग्वेजेस में आपका 4 कॉमन है दोनों के अंदर। तो टिक जो है, इस टिक का आपका कोड क्या हो जाएगा 4। ओके, देन यहाँ पे देखो एक बचा ओनली निप, यहाँ पे केवल निप बचा और यहाँ पे केवल 7 बचा। तो निप का कोड आपका क्या हो गया 7। एक एक क्वेश्चन का अपना निप का कोड 7, तो ये अपना आंसर हो गया। ओके, देन निप का 7 हो गया। और अब आपका सेकंड स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है, ये तीनों के अपन ने कोड निकाल लिए हैं। अब फर्स्ट और थर्ड बचा है, फर्स्ट थर्ड में देखना एक कॉमन आपका जिप है, एक कॉमन आपका यहाँ पे भी जिप है, और इन दोनों में आपका कॉमन क्या है 3। ओके, तो जिप का कोड आपका क्या हो जाएगा, जिप का कोड हो जाएगा आपका 3। गाइस अब देखना यहाँ पे बचा केवल सिट और यहाँ पे बचा 6, तो इसका कोड क्या हो गया 6, तो सिट का कोड 6। ओके, देन लिप, लिप का क्या बच गया 2, तो लिप का कोड आपका 2। तो ये तीन क्वेश्चन अपने क्या हो गए, कवर हो गए, इससे इंडिविजुअल अपन ने निकाले। देन इसमें पूछा जिप लिप और टिक, इनको अपन क्या लिखेंगे। तो गाइस सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपके तीन ऑप्शन क्या है, 3-2, 3-2 और 3-2 है। देन मे बी पॉसिबल कि लगभग 99% केस में क्या होता है कि जब तीन ऑप्शन एक जैसे सेम आ रहे हैं, थोड़ा सा स्लाइट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 है, इनमें डिफरेंस है, तो लगभग आंसर आपका ये होता है, इन तीनों में से कोई एक होगा जो फाइनल आपका बच गया। ये जैसे कि 5-7 है, ये तो ऑप्शन से आउट ही कर दो, से ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, देन अपन बात करें जिप, जिप का कोड क्या था 3, तो 3 है शुरू में। देन एक चीज देखो, अपना पहला मैच हो रहा है तो दूसरे को मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके अंदर 2 है, अपने को मैच करना फाइनल वाला टिक, टिक को अपन क्या लिख रहे हैं 4। सो 3-2-4, तो थोड़ा ऑप्शन को एलिमिनेट करना अगर आप सीख जाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है आपको। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये कवर हो गया। देन निप सिट और टिक, अब यहाँ पे देखना सबके अंदर 7 है, यानी कि पहले जो है निप, इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड है, सेकंड सिट, ये अपने को मिलाना पड़ेगा, तो सिट का कोड था यहाँ पे 6। ओके, तो 6, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल, ये कैंसिल, बच गया 7-6-3 और 7-6-4। अब टिक का कोड क्या होगा, टिक का कोड 4, तो 7-6-4 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस एक तो आपको क्वेश्चन दे सकता है इस तरीके से, देन आपसे ये कोड वर्ड है इंडिविजुअल वर्ड से पूछ सकता है, और इन रैंडम किसी भी वे में इनको अरेंज करके
देन इनका कोड नेम भी पूछ सकता है। तो ये था आपका टाइप वन का क्वेश्चन। देन गाइस अपन बात करते हैं टाइप टू की क्वेश्चन की। स्टेटमेंट में टाइप टू के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस ये स्टेटमेंट के ऊपर। और ये क्वेश्चन आपको आई थिंक सो एक टाइप के ऊपर अगर आप इजीली 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो बिना कोई प्रॉब्लम के, तो ये मान लीजिए कि आपको इस पर अच्छी कमांड हो गई है, आपको डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। या गाइस एक क्वेश्चन सेम उसी वे में आपको दिया हुआ है, ये जैसे इसमें चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है कि हर आइडिया हैज मेरिट, एक स्टेटमेंट आपका कि हर आइडिया हैज मेरिट, इसको ये कोड वर्ड में लिखा है फॉर लव हू एंड ना, किसी कोडिंग लैंग्वेज में ये इसको लिखा जा रहा है। देन सेकंड स्टेटमेंट है मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड को कोड लैंग्वेज में लिख रहा है जो के ला सी ना। देन हर नेम डिस्प्लेड देयर इस पर लिख रहा है या सी बू जो। एंड देन इसमें लिखा नेम इन मेरिट लिस्ट ना या गो के। तो ये यहाँ पे इनकी क्या कोड वर्ड्स हैं ये और ये स्टेटमेंट्स हैं। तो इनमें से अपने को जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिविजुअल सबके अपने को क्या निकालना कोड, हर एक वर्ड का अपने को यहाँ पे कोड निकालना है, ठीक है। एंड देन ये दो क्वेश्चन आपको ये हुए हैं कि हर आइडिया इन लिस्ट इसको अपन कोड वर्ड में क्या लिखेंगे, द नेम हैज बीन डिस्प्लेड इसको अपन कोड वर्ड में क्या लिखेंगे। तो गाइस सबसे पहले अपन कोई दो स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे आपका हर आइडिया हैज मेरिट ये कंसिडर किया, देन अपन ने सेकेंड कंसिडर किया कि मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड। अब इसमें देखना एक ही कॉमन है या फिर एक से ज्यादा कॉमन है ये देखना। अब यहाँ पे हर आइडिया हैज एंड देन मेरिट, या गाइस अब इसमें देखना जो अपन ने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट कंसीडर किया इसमें एक तो आपका हैज कॉमन है और एक मेरिट कॉमन है, यहाँ पे ये हैज हो गया और मेरिट हो गया। तो जब भी आपके दो है एक है एक से ज्यादा जब आपका कोई भी वर्ड कॉमन आ रहा है तो एक बार उसको आप छोड़ दो, एक बार आप उसको छोड़ दो। जहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि एक सिंगल वर्ड जिस जिसमें कॉमन है पहले वो स्टेटमेंट आप छोड़ करो। यहाँ पे दो कॉमन आ रहे, अब इसमें देखना मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड एंड हर नेम डिस्प्लेड देयर, तो यहाँ पे ओनली क्या आपका एक ही कॉमन है क्या डिस्प्लेड, एंड यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेड है और कुछ थोड़ी डिस्प्लेड है कॉमन है यहाँ पे और कुछ नहीं है। देन यहाँ पे देखना कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन आई थिंक सो आपका एस आई है सी, तो डिस्प्लेड आपका जो वर्ड है डिस्प्लेड के लिए आपका कोड क्या हो जाएगा SI। तो आप एक काम करो जब ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट हो देन इसमें एक बार आप SI को निकाल दो यहाँ से, डिस्प्लेड को भी यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब देखो ये जो दो स्टेटमेंट हैं लास्ट वाली थर्ड और फोर्थ इनमें क्या कॉमन है, एक तो नेम है एंड हर एंड देयर और कुछ कॉमन नहीं है, तो नेम यहाँ पे कॉमन है और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका या बी यू जेड ओ या वाई ए, तो नेम आपका क्या हो जाएगा, नेम जो कोड है इसके लिए हो जाएगा आपका वाई ए, ओके। देन अब देखना इसमें फर्स्ट में और लास्ट में यहाँ पे हर आइडिया हैज मेरिट एंड इन मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो मेरिट यहाँ पे एक आपका कॉमन है, अब एक चीज देखना कि मेरिट जब एक से ज्यादा के अंदर कॉमन हो, लाइक यहाँ पे भी आपका मेरिट है, यहाँ पे भी मेरिट है, यहाँ पे भी मेरिट है, यानी कि एक ही वर्ड आपका दो स्टेटमेंट से ज्यादा स्टेटमेंट में कॉमन हो देन सबको कंसिडर करना है। फिर ये जो कोड लैंग्वेज है, ये जो कोड लैंग्वेज होगी ये फर्स्ट की देखेंगे, सेकेंड की देखेंगे एंड देन फोर्थ की देखेंगे, और यहाँ पे जो इन तीनों में कॉमन होगा वही कोड होगा किसका, मेरिट का। तो अब इन तीनों में देखना क्या कॉमन होगा आपका, एंड ए एन ए और एन ए, तो ये आपका हो गया मेरिट का, ठीक है। मेरिट के लिए आपका कोड वर्ड ये हो गया, आपका जो वर्ड मेरिट है मेरिट के लिए कोड वर्ड क्या हो गया एन ए। देन यहां पे देखना बचा इन एंड लिस्ट, इन और लिस्ट
अब देखो लिस्ट कहाँ कहाँ पे है, एक तो लिस्ट इस वर्ड इस सेंटेंस में है और एक यहाँ पे है, तो एक लिस्ट ये रहा और एक लिस्ट ये रहा, दो ही जगह पे है। अब इन दोनों के यानी कि सेकंड और फोर्थ को देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे आपका के ई कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो लिस्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो लिस्ट का कोड वर्ड क्या हो गया आपका, के ई। ओके, अब यहाँ पे लिस्ट कवर हो गया, ओनली जी ओ इधर बचा है, यहाँ पे आई एन बचा है, ठीक है, तो आई एन के लिए आपका कोड वर्ड क्या हो जाएगा, आई एन के लिए यानी इन के लिए कोड वर्ड हो जाएगा आपका जी ओ। तो एक तरीके से कहीं तो अपना फोर्थ स्टेटमेंट कंप्लीटली हो गया, इसको आप हटा दो, अब बचे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब देखना यहाँ पे आपका है हर, देन यहाँ पे हर नहीं है बट यहाँ पे हर है, ओके, और इसके अलावा यहाँ पे देयर है और देयर इसमें नहीं है, यानी कि यहाँ पे ओनली हर ही एक ऐसा वर्ड है जो फर्स्ट में और थर्ड में कॉमन है। तो फर्स्ट और थर्ड के जो यहाँ पे देखो क्या कॉमन होगा, यहाँ पे आपका कॉमन होगा बी यू, ओके, तो बी यू आपका हो गया किसके लिए, हर के लिए, हर के लिए कोड वर्ड हो गया आपका बी यू। देन एक चीज देखो यहाँ पे बी यू कैंसिल हो गया, ओनली जेड ओ बचा और यहाँ पे आपका देयर बचा, तो देयर के लिए आपका कोड वर्ड क्या हो गया, जेड ओ, ठीक है, तो अपना यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। अब बचे फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या है, आइडिया, यहाँ पे हैज और यहाँ पे हैज बीन, लिस्ट तो कवर हो चुका है, मेरिट हो चुका और डिस्प्लेड हो चुका, तो हैज बीन, अब देखो हैज है दोनों के अंदर कॉमन है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है आपका एल ए, ठीक है, तो हैज के लिए आपका कोड वर्ड क्या हो जाएगा, हैज के लिए आपका कोड वर्ड हो जाएगा एल ए, तो यहाँ पे एल ए आपका हो गया, हैज हो गया, यहाँ पे ओनली बचा आइडिया और यहाँ पे बचा एफ ओ, तो आइडिया के लिए क्या कोड, एफ ओ, और यहाँ पे क्या बचा आपका बीम, और बीम के लिए यहाँ पे बचा ओनली जे ओ, तो आपका जो बीम वर्ड है, बीम वर्ड के लिए क्या कोड हो गया, जे ओ। तो अपन ने इंडिविजुअली जितने भी वर्ड्स थे सबके कोड वर्ड निकाल लिए, ओके, देन अपने से पूछा है हर आइडिया इन लिस्ट, हर आइडिया इन लिस्ट को अपन कोड वर्ड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हर पर लिख रहे हैं अपन बी यू, तो ये हो जाएगा बी यू, देन आइडिया को अपन क्या लिख रहे हैं एफ ओ, सो एफ ओ, इन को अपन लिख क्या रहे हैं जी ओ गो, एंड लिस्ट को अपन लिख रहे हैं के ई, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी यू एफ ओ जी ओ के ई। सो गाइस योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विल बी देयर। सो सेकंड स्टेटमेंट आपका है नेम हैज बीन डिस्प्लेड, तो नेम हैज बीन डिस्प्लेड को देखना, नेम को अपन लिख रहे हैं वाई ए, वाई ए, देन हैज को अपन क्या लिख रहे हैं एल ए, देन बीन, बीन को अपन लिख रहे हैं जे ओ, एंड डिस्प्लेड, डिस्प्लेड को अपन लिख रहे हैं एस आई, तो इस तरीके से ये आपका सेकंड स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा वाई ए एल ए जे ओ एस आई। तो गाइस ये था आपका टाइप फर्स्ट का, एक अपन ने सिंपल क्वेश्चन लिखा और एक थोड़ा सा टिपिकल अपन ने क्वेश्चन लिखा, इससे ज्यादा आपके टफ क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट के ऊपर कोडिंग रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। तो गाइस फर्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग रिकॉर्डिंग इन द केस ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंदर जो फर्स्ट टाइप है वो अपन ने कवर कर दिया, देन अपन बात करते हैं टाइप टू के क्वेश्चन की, कि स्टेटमेंट में टाइप टू के क्वेश्चन किस वे में आएंगे, बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की डिमांड ये टॉपिक करता है आपसे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये मान लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन श्योर करने की तरफ आपको ले जाता है कोडिंग रिकॉर्डिंग का टॉपिक। आपका जो टाइप टू का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको एक लेटर है, सॉरी लेटर्स जो है, इन लेटर्स का एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ मिलेगा, वो चाहे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग में हो, या फिर रैंडमली किसी भी वे में हो, आपको यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए मिलेंगे, देन नीचे उनके सिंबल्स, यहाँ पे सिंबल होंगे। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इनको कभी मत पढ़ना, इनको कभी भी शुरू में मत पढ़ना, डायरेक्टली आप चलना कंडीशंस पे जो आपकी शर्तें लिखी हुई है वो। अब पहली क्या है, यदि पहला अक्षर एक स्वर, स्वर मीन्स वोवल, एंड देन अंतिम अक्षर एक व्यंजन, व्यंजन मीन्स कॉन्सनेंट,
ठीक है, अगर पहला अक्षर आपका एक्स वर्ग है, अंतिम व्यंजन है, तो पहले और अंतिम अक्षर के कोड परस्पर बदलने हैं। मींस इफ योर फर्स्ट लेटर इज वोवल एंड लास्ट इज कॉन्सोनेंट, देन रिप्लेस दियर कोड विथ ईच अदर। ओके, उनके कोड एक दूसरे के साथ में अपने को इंटरचेंज करने हैं। आपकी पहली कंडीशन ये दे रखी है, देन पहला व्यंजन यानी कि इफ फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट एंड जो आपका अंतिम स्वर यानी कि लास्ट आपका वोवल है, तब दोनों को क्वेश्चन मार्क से कोड करना है। मींस कि इफ फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट लास्ट इज वोवल, इन दिस कंडीशन यू हैव टू बी कोड क्वेश्चन मार्क ऑन द प्लेस ऑफ बोथ द लेटर्स। देन थर्ड आपका क्या कह रहा है, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही आपके क्या हैं, व्यंजन है, तो दोनों को अंतिम अक्षर का कोड दिया जाएगा। मींस इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स बोथ आर कॉन्सोनेंट्स, देन कोड देम विद द सिंबल ऑफ लास्ट कोड विद द सिंबल ऑफ सॉरी लास्ट लेटर। ओके, तो अब अपने को क्वेश्चन पूछा है कि जो AMPER I इसका कोड क्या होगा। अब देखना इसमें क्या बता कि इफ फर्स्ट इज वोवल यानी कि पहला आपका क्या एक स्वर है, यहाँ पे पहला आपका क्या एक बिल्कुल वोवल है, देन लास्ट अंतिम एक व्यंजन है, बट यहाँ पे आई आपका एक क्या वोवल है, तो ये आपका क्या नहीं होगा, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। बिकॉज इसने क्या था, यहाँ पे क्या कहा था, अंतिम आपका व्यंजन हो तब इसने यहाँ कहा, ये भी आपकी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। बिकॉज इसमें कह रहा है कि फर्स्ट आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यहाँ पे वोवल है। अब इसमें ये कह रहे हैं यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही व्यंजन है, दोनों ही व्यंजन है, बट यहाँ पे दोनों ही क्या वोवल्स हैं, तो आपका यहाँ पे इनमें से कोई भी कोड कोई भी कंडीशन आपकी अप्लाई नहीं होगी। सीधी सी है, यहाँ से आपको सिंबल उठाना है, देन डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। लाइक ए का है यहाँ से सिंबल क्या है, थ्री, तो यहाँ पे थ्री हो गया। देन एम का सिंबल यहाँ पे क्या है, एट, सो थ्री एट। देन ई का सिंबल क्या होगा, वन। देन आर का सिंबल आपका क्या हो जाएगा, टू। एंड आई का सिंबल क्या होगा आपका, डॉलर। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी इसके ऊपर। अब देखना इसमें फर्स्ट आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, एंड लास्ट भी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब ये कंडीशन क्या कही थी कि फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही व्यंजन है, यहाँ पे दोनों के दोनों व्यंजन है, तब आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो इसमें क्या होगा, तो दोनों को अंतिम अक्षर का कोड दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है और ये जो है, इन दोनों को ही अपने को एच का कोड देना है, और बाकी के अपने को जो कोड है वो यहाँ से पुट करके एज इट इज रिप्लेस करने। यहाँ से अब देखना आर को अपन एच के कोड से लिखेंगे। एच का कोड क्या है, एट द रेट, तो आपका शुरू में एट द रेट एंड देन लास्ट में एट द रेट। एक तो आप सबसे पहले ये देखो कि शुरू में और लास्ट में डायरेक्ट किस में है, ऑप्शंस में, जिसमें भी नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देन टी, टी का कोड आपका फोर, देन वी, वी का कोड है आपका फाइव, एंड देन यू, यू का कोड आपका कॉपीराइट, देन बी, बी का कोड आपका क्या हो जाएगा, नाइन। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस पे आपकी कंडीशन अप्लाई हो रही थी कौन सी, थर्ड वाली। अब देखना इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट आपका क्या है कॉन्सोनेंट एंड लास्ट आपका क्या है वोवल। अब इसमें देखना कि इफ फर्स्ट इज वोवल, यहाँ पे तो ये तो अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे पहले स्वर है, वोवल डिमांड कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है कॉन्सोनेंट है, तो ये अप्लाई नहीं हो रही है। देन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इफ फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट इज वोवल, पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, बिल्कुल यहाँ पे ये है फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट इज वोवल, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन टू अप्लाई होगी। कंडीशन टू आपकी क्या करी है, देन बोथ आर कोडेड एज क्वेश्चन मार्क, यानी कि दोनों को अपने को किससे कोड करना है, क्वेश्चन मार्क से। सो एच और आई की जगह पे आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, अब आप चेक कर लेना शुरू में और लास्ट में किस में क्वेश्चन मार्क है, कौन से ऑप्शन में, और जिसमें नहीं है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देन ई, ई का कोड आपका यहाँ पे क्या है, वन। देन यू, यू का कोड आपका है कॉपीराइट। देन पी, पी का कोड आपका सेवन, एंड देन के,
का कोड हो जाएगा आपका डेल एंड देन आई, आई आपका क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फर्स्ट आपका ये कॉन्सोनेंट और लास्ट क्या आपका वोवल है, तो यहाँ पे भी सेम आपकी सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी, तो फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और जो आपका ई एफ के एम है इसका कोड यहाँ से उठाना है, ई का 1, देन एफ का कोड 6, देन के, के का कोड आपका क्या होगा डेल, देन एम, एम का कोड आपका 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस ये थे आपके टाइप 2 के क्वेश्चन, उसमें आपको कुछ लेटर्स दिए हुए होंगे, उनका कुछ सिंबल दिए होंगे, देन कुछ कंडीशंस होंगी, मैक्सिमम आपको 3 कंडीशन मिलेगी, 3 कंडीशन मिलेंगी और मिनिमम भी लगभग 3 है, लगभग ऑलमोस्ट इन ऑल द एग्जामिनेशन सारे के सारे एग्जाम में लगभग 3 कंडीशन आपको दी हुई रहती है, देन आपसे 4 to 5 क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनका कोड क्या होगा, ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से। देन अपन बात करते हैं टाइप 3 की, कि टाइप 3 के अंदर आपके क्वेश्चन किस वे में आ सकते हैं, इसके ऊपर और क्वेश्चन करवाने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आई थिंक सो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसके ऊपर तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। या गाइस एक क्वेश्चन आपको टाइप 2 के ऊपर अपन देख लेते हैं, सपोज दैट आपको दिया हुआ यहाँ पे लेटर, जो लेटर्स आपके वो हैं पी एम ए और आई, इस तरीके से आगे चलते जा रहे हैं, देन इनके सिंबल्स हैं आपके ये नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या दे रखी हैं वो देखनी है अपने को, पहली है कि फर्स्ट इज व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, अंतिम स्वर यानी कि वोवल है, तो कोड को परस्पर बदलना है, इंटरचेंज कोड्स यानी कि फर्स्ट का कोड और लास्ट का कोड आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। देन सेकंड है कि फर्स्ट आपका स्वर यानी कि वोवल और लास्ट आपका व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करना है, मींस कि कोड बोथ बाय कोड ऑफ वोवल, ठीक है, यानी कि जो पहला अक्षर है यानी ये स्वर है इसी के कोड से अपने को लास्ट वाले को कोड करना है। देन आपको लास्ट में कहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर कॉन्सोनेंट्स, कि पहला और अंतिम दोनों ही अक्षर आपके व्यंजन है, तो आपको क्या करना है दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से कोड करना है, सो कोड बोथ द लेटर्स बाय द कोड ऑफ लास्ट लेटर, ओके। तो अब अपने को ये क्वेश्चन दिए हुए, सपोज दैट ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना फर्स्ट आपका क्या है कॉन्सोनेंट एंड सेकेंड सॉरी लास्ट आपका क्या है वोवल, तो फर्स्ट आपका कॉन्सोनेंट और लास्ट आपका वोवल, सो इंटरचेंज द कोड्स, तो इसमें क्या होगा कोड्स को इंटरचेंज कर दो। अब देखो एम है, एम को अपन क्या लिख रहे हैं 9, तो यहाँ पे एम का 9 लास्ट में आएगा, यानी कि एम का 9 है वो ई की जगह पे जाएगा, और ई को अपन क्या लिख रहे हैं ई को अपन लिख रहे हैं डॉलर, सो ई का डॉलर है वो शुरू में आ जाएगा आपका इस तरीके से। अब ये देखना फर्स्ट और लास्ट की ये कंडीशन किन किन ऑप्शन में है, अगर सब में है तो आप चेक कीजिए, अदरवाइज जिसमें नहीं वो आपका एलिमिनेट। देन के को चेक कीजिए, के आपका है परसेंटेज, देन जे, जे के लिए अपन क्या लिख रहे हैं जे के लिए आपका कोड है 1, देन आई, आई के लिए आपका कोड हैश, और अगर अपन आगे देखें डी, डी के लिए आपका कोड 7, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले टाइप का। देन अपन बात करते हैं सेकेंड टाइप की, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन की, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है फर्स्ट आपका कॉन्सोनेंट है लास्ट आपका कॉन्सोनेंट है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर कॉन्सोनेंट, तो अपने को दोनों को लास्ट जो आपका सॉरी लेटर है उसके कोड से अपने को कोड करना है, तो यहाँ पे लास्ट लेटर आपका क्या है डब्लू, डब्लू का कोड आपका क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो देखना जिस जिस ऑप्शन में ये नहीं है वो आपका ऑप्शन कैंसिल, ओके। देन एफ, एफ का आपका कोड क्या है 2, देन बी, बी का कोड आपका कॉपीराइट, एंड देन पी, पी का कोड आपका 6, एंड देन ए, ए का कोड आपका 5, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का, ओके गाइस। देन अपन बात करते हैं थर्ड टाइप थर्ड क्वेश्चन पे, तो इसमें देखना फर्स्ट आपका कॉन्सोनेंट लास्ट आपका कॉन्सोनेंट,
सेम आपकी जो थर्ड कंडीशन इस पे अप्लाई होगी। तो अब एंड और डी है, इन दोनों को ही अपने को किस कोड से कोड करना है, डी के कोड से। अब डी का कोड क्या है यहाँ पे, सेवन। तो आपका फर्स्ट भी सेवन और लास्ट भी सेवन, ठीक है। देन ऑप्शंस को चेक करके एलिमिनेट कर दीजिए। देन डब्ल्यू, डब्ल्यू का कोड आपका जीरो, ए, ए का कोड आपका फाइव, देन एन, एन का कोड आपका एट द रेट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब कोई भी लेटर आपका रिपीट हो रहा है, सपोज दैट यहाँ पे एन, तो आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे भी एन का आपका सेवन है तो यहाँ पे भी अपन एन का सेवन करेंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट और सॉरी जो फर्स्ट और लास्ट है इन दोनों में अपने को क्या करना है, चेंज करना है बाकी एज इट इज। अब ये देखना है इसमें फर्स्ट आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, एंड देन लास्ट आपका क्या है, वोवल। सॉरी फर्स्ट और लास्ट आप दोनों यहाँ पे क्या है, वोवल है। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों वोवल हो तो अपने को कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो एज इट इज अपने को पुट कर देना है। एक आपका फाइव, ए फाइव, पी आपका सिक्स, देन एफ, एफ पे आपका टू, एंड टी, टी आपका फोर, एंड आई, आई के लिए आपका कोड क्या होगा, हैश। तो गाइस इस तरीके से आपका इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन आते हैं टाइप टू के बेसिकली। अब अगर अपन बात करें टाइप थ्री के क्वेश्चन किस वे में आते हैं, तो देखना गाइस उसमें क्या होता है। या गाइस ये था आपका, ये आपका टाइप थ्री का क्वेश्चन है। तो इसमें देखना आपको क्या है कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कुछ नंबर्स देखने में मिलेंगे, ओके। देन आपको तीन कंडीशंस दी होंगी, वो उनमें से आपको हर एक कंडीशन को इन नंबर्स पे अप्लाई करना है, देन आंसर उसका निकालना है। अब ये पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे आपका क्या है, अंक है बीच में, अंक कि पहला और दूसरा अंक आप अंक आपस में बदलने पर, यानी कि पहले को और दूसरे को आपस में बदल दिया यानी इंटरचेंज कर दिया, तब बदलने पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये अपने को बताना है। मीन्स इफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज विथ ईच अदर, देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना अपने को, हर एक पे अप्लाई करके देखना है। यानी कि सबसे पहले अपन देखते हैं 283, आपको दिया हुआ है 283। अब देखना सबसे पहले इसने क्या कहा कि फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 283 का है तो यहाँ पे आ गया आपका 8। तो सारी एक बार अप्लाई मत करना कि हर एक चीज पे, यानी कि हर एक डिजिट पे अप्लाई मत करना, इससे आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये देखना है कि सेकेंड वाला अंक आपका जो डिजिट है वो आपका पहले आ रहा है, तो सबसे बड़ा जो सेकेंड का डिजिट होगा वो कौन सा है, 841278, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, ये क्या बनेगी आपकी 823। इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है, बिकॉज अपने को पता है यहाँ पे सेकेंड वाली डिजिट आपकी जो भी है वो आपकी पहले नंबर पे आएगी, सेकेंड वाली फर्स्ट पे आएगी। तो अब देखना यहाँ पे सेकेंड में सबसे बड़ी कौन सी है, 8 ही है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो ये आपकी डिजिट सबसे बड़ी होगी। और सेकेंड नंबर पे जो सबसे छोटी है वो कौन सी है, 1, तो आपकी 518 आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया इस तरीके से, ओके। तो आपको हर एक नंबर पे है ये ट्रिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये देखिए कि सेकेंड का कौन सा बड़ा है एंड सेकेंड का सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ी संख्या है, सॉरी सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी बनेगी, 518, ये आपकी सबसे छोटी संख्या बनेगी, कितनी बनेगी, 158, ओके। एंड देन सबसे बड़ी आपकी कौन सी बनेगी, 283, सबसे बड़ी आपकी बनेगी 283, ये बन जाएगी आपकी 823। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन सेकंड में चलना, सेकंड में क्या कर रहा है कि पहले में अपन एक जोड़े और अंतिम से एक घटाएं तो सबसे बड़ी दूसरी संख्या, सबसे बड़ी नहीं सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी दूसरी संख्या क्या होगी। इफ वी एड वन इन फर्स्ट डिजिट, एड वन इन फर्स्ट डिजिट,
and subtract 1 from second, sorry, last digit, then which will be the largest second number? इनमें से सबसे बड़ी दूसरी संख्या क्या होगी? तो गाइस सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि बड़ी अपने को देखनी है, तो ये एक सब्सट्रैक्ट करना तो छोड़ो, सबसे पहले देखते हैं कि बड़े की संख्या किससे है, जोड़ने से, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से नंबर क्या होता है आपका, बढ़ता है। तो अब देखना ये फर्स्ट के अंदर आपका 1 ऐड कर रहा है, ठीक है, तो 2 में 1 किया आपका ऐड 3, देन यहां पे आपका 1 ऐड किया 4, यहां पे आपका 6, यहां पे 9, ये 8 और ये 9। तो अब देखना सेकंड लार्जेस्ट या तो 9 की होगी ये वाली या फिर आपकी ये वाली, बिकॉज सबसे बड़े आपके क्या है, 2 9 पे है। ओके, सपोज दैट यहां पे 9 नहीं होता, एक जगह 9 होता तो आपकी सेकंड लार्जेस्ट ये हो जाती, बिकॉज 9 के बाद में 8 आता है, तो 8 ओनली 8 में ही था। ओके, अब यहां पे आपका 9 है, तो ये सारी की सारी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई आपकी। ओके, तो अब बची ये 8 टू 9 और 8 टू 7। अब देखना ये बन गया आपकी 8 टू 9, एक आपकी 8 टू 7, इससे बन रहा आपका 9 2, और इसने क्या कहा लास्ट में से एक सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 9 टू 8 बन रहा है इससे, और इसमें आपका क्या बन रहा है 9 टू 6, तो आपका 9 टू 8 बड़ा होगा, यानी कि ये वाली डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे सेकंड लार्जेस्ट आपकी क्या हो जाएगी, हाँ सॉरी, ये आपकी फर्स्ट पे हो जाएगी और ये आपकी सेकंड पे, तो सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी आपकी 8 टू 7, 8 टू 7, इससे बनेगा क्या आपका 9 टू 6, सेकंड लार्जेस्ट आपकी डिजिट ये हो गई। ओके, देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पहले और दूसरे को जोड़ें तथा योग में से तीसरा अंक घटाएं तो संख्याओं का आरोही क्रम क्या होगा। अब अपने को ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स आर ऐड टुगेदर, यानी कि फर्स्ट को सेकंड को अपन ने एक साथ में जोड़ा, देन सब्सट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम समेशन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का जो आपका समेशन आया उसमें से आपको थर्ड माइनस करना है समेशन में से। ओके, देन व्हाट विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, तो इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर क्या होगा वो आपको चेक करना है। ये थोड़ा सा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया तो उसमें थोड़ा टिपिकल होगा, क्योंकि आपको वो सारे नंबर्स यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। अब ये पहले क्या बोल रहा है आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, 2 + 8 = 10, 10 - 3 = 7, ये आपका आ गया फर्स्ट का। ओके, देन 3 + 4 = 7, 7 - 7 = 0, ठीक है। अब तो ये तो पता हो गया अपने को कि ये सबसे छोटी होगी आपकी, तो सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा, 3 - 4 - 7 आएगा सबसे लास्ट में, सबसे छोटी डिजिट आपकी होगी, और इससे बड़ा क्या होगा वो अपने को चेक करना है। अब देखना ये दो हो गई, देन 5 + 1 = 6, 6 - 8 - 2, ठीक है, एक तो आपका 7 है, एक 0 है, देन एक -2 है, यहीं पे लिख लेते हैं अपन, इसका कितना है 7, देन इसका 0 और ये आपका -2, देन यहाँ पे 8 + 2 कितना 10, 10 - 9 = 1, देन 7 + 4 = 11, 11 - 8 = 3, देन 8 + 2 10 - 7 = 3। तो गाइस अब देखना सबसे आपका जो ऑर्डर देखा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आपका सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है -2, यानी कि -2 किससे आ रहा है 5 - 1 = 8 से, तो 5 - 1 = 8 सबसे छोटा, देन इससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा 0, 3 - 4 - 7, देन इससे लार्जेस्ट आपका 8 - 9, देन इससे लार्जेस्ट आपका, अब देखना यहाँ पे आपके 7, 4, 8 और 8 - 7 दोनों में 3 आपका समेशन आ रहा है, तो हमेशा एग्जामिनर आपको क्या करेगा, यहाँ पे तो बाई मिस्टेक मैंने ये क्वेश्चन आपको अपने आप से ऐड करके दिया था, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, सपोज दैट यहाँ पे आप मान लो 6 है तो ये कितना हो गया 4,
आपको कभी भी एग्जामिनर इस तरीके से कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर कंफ्यूज करता भी है तो ये मान लो कि इनमें से कोई भी एक ऑर्डर ले लेगा, ठीक है, और जो दूसरा बनेगा वो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होगा। मीन्स कि आपका ऑप्शन पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा, ऑप्शन में जो सही है वही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। अब यहाँ पे माने तो 8 to 9 के बाद में आपका 7 4 8 के बाद में आपका 8 to 6 एंड देन फाइनल आपका 2 8 3। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर था और डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट आपका हो जाएगा। तो गाइस ये थे आपके टाइप 3 के क्वेश्चन, और इसमें ज़्यादा चिंता मत करना कि मैंने जो एक बुक से ही क्वेश्चन लिया था उसमें शुरू के दो सेम रखी, देन लास्ट जो कंडीशन थी मैंने चेंज कर दी, खुद से बना के रख दी कि इस तरीके से भी क्वेश्चन एक आया हुआ है। सो गाइस इसमें आपको ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात है नहीं, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ईजी आपके क्वेश्चन आते हैं। ये अपन ने देखा टाइप 3 का क्वेश्चन, इसी के बिहार पे अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। गाइस ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपके नंबर्स हैं, देन आपको दो कंडीशन दी हुई है। पहला है कि यदि पहले अंक में एक जोड़े तीसरे से एक घटाएं और फिर पहले व तीसरे अंक को आपस में बदलने पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मीन्स इफ वी एड वन इन फर्स्ट डिजिट एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम थर्ड डिजिट एंड देन आफ्टर दिस एडिशन सब्सट्रैक्शन then interchange first and third digits, okay, after interchanging what will be the largest number। आपको ये बताना सबसे बड़ी largest number क्या होगी। ये आपकी पहली condition है। तो पहली condition में क्या है कि अपने को first यानी कि जो पहला अंक जो है, पहली digit जो है आपकी, उसमें आपको एक जोड़ना है। तो सबसे पहले आप subtraction वाले को छोड़ो, एक जोड़ के देखो, जो सबसे ज्यादा आपका बड़ा बन रहा है वही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे वन ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपका 4, यहाँ पे आपका बनता है 5, ये 6, ये 8, ये 9 और ये 7। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या बन रही है आपकी 9, 8 4 7 से बन रही है। अब इसके बाद में कुछ भी सब्सट्रैक्ट करो, कोई ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं आएगा, एक ही सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 900 से 800 पे नहीं आएगा, ओके। तो आपका सबसे बड़ी डिजिट क्या हो जाएगी 8 4 7। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। देन अपन बात करें अगर सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन में आपको क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि इफ यदि पहला अंक दूसरे के स्थान पे, इफ फर्स्ट डिजिट रिप्लेस्ड विद द सेकंड डिजिट, सॉरी नॉट रिप्लेस्ड, फर्स्ट डिजिट इज ट्रांसफर्ड ऑन द प्लेस ऑफ सेकंड डिजिट एंड दूसरे के दूसरा आपकी तीसरे के स्थान पे, सेकेंड डिजिट इज ट्रांसफर्ड ऑन द प्लेस ऑफ थर्ड डिजिट, व तीसरा पहले के स्थान पे एंड थर्ड डिजिट इज ट्रांसफर्ड ऑन प्लेस ऑफ फर्स्ट, देन आ जाए तो तीसरी सबसे बड़ी थर्ड लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होगा, वो अपने को निकालना है। यानी कि आपका सपोज दैट ये है 1 2 3, इसमें क्या होगा पहला दूसरे के स्थान पे, फर्स्ट डिजिट इज रिप्लेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सेकेंड, सो फर्स्ट विल बी देयर एंड नाउ दूसरा तीसरे के स्थान पे सेकेंड रिप्लेस ऑन सॉरी ट्रांसफर्ड ऑन द प्लेस ऑफ थर्ड मीन्स 2, देन तीसरा पहले के स्थान पे, देन थर्ड इज ट्रांसफर्ड ऑन द प्लेस ऑफ फर्स्ट, सो नंबर विल बी 3 1 2। तो इस वे के अंदर आपको क्या करना है, ये सारे नंबर्स को अरेंज करके देखना है, फिर तीसरी सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक चीज कि जो थर्ड नंबर है वो सबसे पहले आपका आ रहा है, थर्ड डिजिट सबसे पहले आ रही है, तो यहाँ पे देखना थर्ड डिजिट कौन सी है 2, यहाँ पे आपका 3, देन 8, देन 7 एंड देन 9। तो एक चीज देखना कि इसमें कह रहा है कि तीसरी थर्ड लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे 9 की, ये नहीं हो सकती, सेकेंड लार्जेस्ट 7, देन सॉरी सेकेंड लार्जेस्ट 8 एंड देन थर्ड लार्जेस्ट 7। तो अब इसके बाद में कुछ भी हो ज़्यादा आपका डिफरेंस आएगा नहीं, सो आपका नंबर क्या हो जाएगा 7 से शुरू होने वाला, 7 किस में आ रहा है आपका इसमें, तो 8 4 7 दोनों के अंदर ही आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 4 7। तो इस तरीके से ये जो टिपिकल क्वेश्चन है इनको सोल्व करने का जो आपका एक माइंड अप्रोच क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा।
सो गाइस अपन ने अभी तीन टाइप के क्वेश्चन देखे, अभी अपन एक टाइप का क्वेश्चन और होता है कोडिंग रिकॉर्डिंग में, वो भी देखते हैं। या गाइस एक क्वेश्चन आपका ये है, ये एक्चुअली देखा जाए तो टाइप फोर के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो इसको, बट ये कुछ कुछ आपका जो टाइप वन था उसी तरीके से है। इसमें अपने को कॉमन लेना है हर एक वर्ड को, सॉरी हर एक लेटर को, देन यहाँ से कोड निकालना है। उसमें क्या था कि अपने को इंडिविजुअल वर्ड का पूछा था, देन एक सेंटेंस दिया था, यहाँ पे भी आपको लेटर्स के निकाल के देन एक वर्ड दे दिया और वर्ड का कोड पूछ रहा है। तो कुछ उसी तरीके से आपको ये टाइप फोर में कंसिडर करो या फिर टाइप वन के अंदर। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको इसमें, सपोज दैट आपको चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, एस बी आई आर ई डी, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। देन एक चीज देखो, फर्स्ट को और आप थर्ड को कंसिडर करो, यहाँ पे क्या कॉमन है, एस बी आई ए एस डी, एस कॉमन है दोनों में, बट एस आपका फोर्थ में भी आ रहा है। तो जब मैंने कहा था कि एक लेटर आपका दो स्टेटमेंट से ज्यादा में कॉमन हो तो सबको कंसिडर करो, एस तीनों के अंदर है, तो यहाँ पे आपका ये जो कोड, ये कोड लाइन है, एक ये कोड लाइन है और एक ये कोड लाइन है, इन तीनों को अपने को कंसिडर करना है, तीनों में क्या कॉमन है वो अपने को देखना है। तो यहाँ पे देखना एस की जगह पे यहाँ पे जी ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो जो आपका एस का कोड क्या हो जाएगा, जी ए, ठीक है। एस का अपने कोड निकाल लिया। देन एक चीज देखो, आपका जो सेकेंड और थर्ड की अगर अपन बात करें, सेकेंड थर्ड के अंदर आपका डी कॉमन है दोनों के अंदर, बट और किसी में आपका डी नहीं है। ओके, तो डी कॉमन है तो यहाँ पे भी अपने को ये दो स्टेटमेंट कंसिडर करने। अब यहाँ पे आपका क्या कॉमन है, पी ए, पी ए कॉमन है बिल्कुल, तो आपका डी का कोड क्या हो जाएगा, पी ए। देन यहाँ पे देखना आपका एक बचा डी ए और यहाँ पे बचा ए, तो ए के लिए आपका कोड क्या हो गया, डी ए। तो आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीटली कवर हो गया, तो इसको आप छोड़ दीजिए। देन अपन बात करते हैं फर्स्ट थर्ड और आपका जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ के अंदर। अब देखना यहाँ पे आपका आर कॉमन है सेकंड में और फोर्थ के अंदर, और कहीं पे भी आर नहीं है, तो आर सेकंड और आपका फर्स्ट में, तो ये स्टेटमेंट और जो फोर्थ स्टेटमेंट है इनमें देखो क्या कॉमन है, इनमें आपका कॉमन आ रहा है एम ए, ठीक है। तो आर के लिए आपका क्या हो जाएगा, एम ए। देन यहाँ पे बचा आपका ई और यहाँ पे आपका आई, यहाँ पे ई बचा और यहाँ पे एन आई बचा और आई की जगह पे आर ई बचा। अब आई की जगह पे आर ई बचा और यहाँ पे भी आपका आई है, तो ये भी आपका आर ई और ये आर ई और ये आई आपका कवर, आई की जगह पे आपका क्या आ गया, आर ई, एंड देन ई की जगह पे आपका एन आई, ई पे आपका आ गया एन आई। अब यहाँ पे बचा आपका ओनली बी और यहाँ पे बचा ओनली एस ए, यानी कि सा, तो बी की जगह पे आपका क्या जाएगा, सा। ये आपके इंडिविजुअल वर्ड्स के ऊपर ने निकाल दिए सबसे पहले, तो ये तो आपको सबके अंदर निकालने हैं। देन यहाँ पे देखना आपको पूछ रहा है ब्रेड का, तो बी को अपन क्या लिख रहे थे, एस ए, ठीक है। देन आर को अपन क्या लिख रहे थे, एम ए, थोड़ा स्पेस देके देख स्पेस देकर के अपने को लिखना है यहाँ पे। देन ई को अपन क्या लिख रहे थे, एन आई, एंड देन ए को, ए को अपन लिख रहे थे डी ए, एंड डी, डी को अपन लिख रहे थे डी ए। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रेड का कोड वर्ड। देन आपका नेक्स्ट है रेज्ड। अब रेज्ड में सबसे पहले आपका क्या है, आर, आर के लिए एम ए लिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सपोज दैट आपने शुरू के दो कंसिडर कर लिए, दो निकाल लिए अपने, ए का क्या गया आपका, डी आ गया, तो आप क्या करना कि ये देखना ऑप्शन के अंदर एम ए डी ए किस में नहीं है, तो आप उनको एलिमिनेट कर देना ऑप्शन को। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शन जब आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। देन आई, आई के लिए आपका आर ई, देन एस, एस के लिए आपका जी ए, देन ई, ई के लिए आपका एन आई, एंड डी, डी के लिए आपका पी ए। ये आपका सेकेंड का आंसर हो गया। देन बर्ड्स की अगर अपन देखें कि बर्ड्स में क्या होगा,
तो बर्ड्स में सबसे पहले बी है, बी का क्या हो जाएगा आपका एस ए, देन आई, आई के लिए आर ई, देन आर, आर के लिए एम ए, देन डी, डी के लिए आपका पी ए, देन एस, एस के लिए आपका जी ए। ये आपकी तीनों के तीनों क्वेश्चन सोल्व हो गए बहुत ही आराम से। तो ये आपको क्या करेगा, दो कॉलम बना के दे दिए, ठीक है। इनमें एक तरफ आपके कोई भी स्टेटमेंट होंगे, कोई भी लेटर हो सकते हैं, कोई भी एक वर्ड हो सकता है, और यहाँ पे आपका क्या होगा कोड वर्ड होगा। दूसरी तरफ वो नंबर्स हो सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी कोड हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ये कुछ छोटे मोटे कुछ भी लाइक के आई टी पी आई सी ऐसे कुछ भी लिख के दे सकता हूँ कोड वर्ड के अंदर, ठीक है। देन आपको एक वर्ड का पूछ सकता है, पूरा सेंटेंस दे के पूछ सकता है, या फिर इंडिविजुअल्स का कोड पूछ सकता है। तो गाइज ये था आपका टाइप फोर में कंसिडर करो चाहे टाइप फर्स्ट के अंदर, लेकिन इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़े बहुत और क्वेश्चन अपन देखते हैं कि वो थोड़ा इनसे अलग क्वेश्चन है किस वे में हम देखिए गाइज अभी। या गाइज ये शायद मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जब कोडिंग डिकोडिंग का अपन देख रहे थे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं उसमें बता दिया था, बट एक टाइप ये भी आपका है कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन का, आप इसको स्टेटमेंट्स में मान सकते हैं क्योंकि आपको अलग अलग यहाँ पे चीज़ दी हुई है। लाइक किसी सांकेतिक भाषा में चंद्रमा को अपन क्या कहें आकाश, और आकाश को अपन क्या कहें तारे, और तारों को बादल, और बादल को पानी, तथा पानी को आग कहें। मीन्स इन अकॉर्डिंग लैंग्वेज इफ मून, मून इज नोन एज आकाश स्काई, ओके, एंड देन स्काई इज नोन एज स्टार्स, एंड स्टार्स आर नोन एज क्लाउड, एंड क्लाउड इज नोन एज वाटर, एंड वाटर इज नोन एज फायर। कि इन अकॉर्डिंग लैंग्वेज इफ मून इज नोन एज स्काई, स्काई इज नोन एज स्टार्स, स्टार्स आर नोन एज क्लाउड, क्लाउड इज नोन एज वाटर, एंड वाटर इज नोन एज फायर। तब इस कंडीशन में आपको पहला क्वेश्चन पूछा है तारे कहाँ आते हैं होते हैं, तारे कहाँ पे होते हैं। सिंपली देखना तारे यानी कि स्टार्स आपके आकाश में होते हैं स्काई में, तो अब देखना पहला ऑप्शन है आपका आकाश, तो कई क्या करते हैं कि तारे कहाँ होते हैं आकाश में होते हैं, ये ऑप्शन क्लिक कर दिया, लेकिन ये इनका गलत होता है बिकॉज इसने पूछा है कि ये जो कंडीशंस हैं ये कंडीशंस को अपने को कंसिडर करके यहाँ पे चलना है, जनरल नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करना है, बट आंसर सारा उसी से नहीं आएगा, थोड़ी कंडीशंस भी यहाँ पे रोल प्ले करती हैं। अब तारे आपके आकाश में होते हैं, बट आकाश है, आकाश को अपन क्या करें तारे करें, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा ये। अब आपके तारे कहाँ पे होंगे, तारे में होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, बट ये आपको कन्फ्यूज नहीं होता है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। देन आपसे पूछ रहा है प्यास लगने पर क्या पीते हैं, भाई जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन पानी दिया होगा, तो आपको पानी पे क्लिक नहीं करना है बिकॉज अपने को यहाँ पे कहा है कि पानी इफ वाटर इज नोन एज फायर, तो भाई अब आप आज से है आग पियोगे, जब आपको प्यास लगेगी तब तब आप आग पियोगे, जब ये कंडीशन अप्लाई होंगी तब। देन आपसे ये भी हो गया, फिर थर्ड में पूछा है कि बरसात किससे होती है, तो एज यूजुअल बरसात आपकी किससे होती है, बादल से होती है, बट क्लाउड इज नोन एज वाटर, बादल को अपन पानी कह रहे हैं, तो अब की वही अब की बार आपकी बरसात पानी से होगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन थ्री, जो क्वेश्चन थ्री है वो भी सोल्व हो गया। तो गाइस ये थे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टेटमेंट के बिहाफ पे। देन अपन एक काम करते हैं, अगला जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ा जो हर टाइप के क्वेश्चन है सबके ऊपर अपन एक्सेप्ट इन द स्टेटमेंट्स की मैंने आई थिंक आज कर दिए हैं, दो से तीन क्वेश्चन लाइक हर टॉपिक हर टाइप के बता दिए हैं, और इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। बट अगर आपको कोई स्टेटमेंट के अंदर स्पेशली कोई डाउट है तो उसको जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर और कोई डाउट है तो भी आप वो मुझे बताइए, देन मैं उसका आंसर आपको जरूर करूँगा। बट अगर जो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे कि स्टेटमेंट के अलावा जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं उन पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और
क्योंकि ये टॉपिक, मैं ये नहीं चाहता कि इस टॉपिक के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाए, तो इसलिए अपन थोड़े से क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला आपका जो लेक्चर होगा वो कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रैक्टिस सेशन होगा, तो गाइज उस लेक्चर को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, उसको आप देखिएगा। तो गाइज आज की वीडियो में अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई हो, हाँ हालांकि थोड़ा हिंदी इंग्लिश है बट मैं आपको बोल के बता भी रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करके क्या वीडियो को देख सकते हो, तो गाइज थोड़ा सा कोऑपरेट तो आपका बनता ही है, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में केवल अपन इतना ही देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप कंपल्सरी आप ये मान लीजिए आपको है, आपको देखना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को। थैंक यू फ्रेंड्स।